कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण हमीरपुर द्वारा बचत भवन के समीप प्राकृतिक खेती से तैयार की गई सब्जियों की मंडी लगाई गई। शहर के लोगों को अब हफ्ते में 3 बार प्राकृतिक खेती द्वारा तैयार देसी सब्जियां खाने को मिल रही हैं। किसानों की 1.5 क्विंटल सब्जियां हाथों हाथ ही बिक गई। आत्मा प्रोजेक्ट किसानों को लगातार प्राकृतिक खेती से जोड़ रहा है ताकि किसान जहर मुक्त खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर रुख कर सके। कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण हमीरपुर द्वारा बचत भवन के समीप प्राकृतिक खेती से तैयार की गई सब्जियों की मंडी लगाई गई। शहर के लोगों को अब हफ्ते में 3 बार प्राकृतिक खेती द्वारा तैयार देसी सब्जियां खाने को मिल रही हैं। किसानों की 1.5 क्विंटल सब्जियां हाथों हाथ ही बिक जाती हैं। आत्मा प्रोजेक्ट किसानों को लगातार प्राकृतिक खेती में जोड़ रहा है ताकि किसान जहर मुक्त खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर रुख कर सके। बताया जा रहा है कि 10 किसानों द्वारा तैयार की गई मूली, पालक, मेथी, अदरक, आलू, पपीता चंद घंटों में ही बिक गया। लोगों को अब हफ्ते में सोमवार और गुरुवार को बचत भवन के समीप देसी सब्जियां खरीदने को मिलेंगी। मंडी लगाने वाले किसान ने बताया कि बचत भवन के पास प्राकृतिक खेती से तैयार की गई सब्जियों की मंडी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि इन सब्जियों को तैयार करने के लिए गाय का गौमूत्र और गोबर से खाद तैयार की जाती है। उन्होंने इसके लिए उपायुक्त हमीरपुर हरकेश मीणा का भी आभार जताया कि उन्हें सब्जियां बेचने के लिए बचत भवन के समीप जगह दी ताकि उन्हें अपनी सब्जियां बेचने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। धनपाल जो प्राकृतिक खेती का ग्रुप है हमारा, 10 सदस्यों का चला हुआ है, वो यहाँ पे सोमवार और वीरवार को बचत भवन के आगे अपने उत्पादों का जो इसकी आज्ञा माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा हमें प्रदान की गई है। यहाँ पे हम 10 किसानों का जो ये उत्पाद हैं उनको सोमवार और वीरवार को यहाँ लगाते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है क्योंकि इसको हम पूरी तरह से गौमूत्र और गोबर जो जीवामृत और बीजामृत विधि द्वारा ही तैयार करते हैं और इसके अंदर किसी प्रकार का ये खाद, किसी प्रकार का स्प्रे, किसी प्रकार का जहर नहीं डालते हैं और किसानों के लिए एक अच्छी सुविधा हमारे प्रशासन द्वारा दी गई है जिसका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा आत्मा हमीरपुर एग्रीकल्चर हमीरपुर उनका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इस ये मंडी को एक किसान मंडी के नाम से जो हमें जगह दी गई है उसमें दिलाने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।